वहीं छावला स्थित आईटीबीपी के कोरोना कैंप से नेगेटिव मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। कुल 60 मरीज जो देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली के इस कैंप में थे वो घर वापसी कर रहे हैं। कैंप में कुल 124 मरीजों में कोरोना वायरस होने की आशंका थी जो अब दूर हो गई है। नेगेटिव पाए गए कुछ मरीज और वहां के डॉक्टर्स से बात की है हमारे संवाददाता तरुण कालरा ने। हम इस समय आईटीबीपी के छावला कैंप में हैं, जहां पर जो बाहर से विदेशों से जो लोग आ रहे थे जिनमें सिम्टम दिखाई दे रहे थे कि शायद कोरोना वायरस हो सकता है, खासतौर पर चाइना से जो आ रहा था, यूरोपियन कंट्री से जो आ रहा था, उनको यहां पर क्वारंटाइन करके रखा हुआ था। लेकिन अब जब ये प्रूव हो चुका है मेडिकल जांच के अंदर कि नेगेटिव केसेस पाए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा मरीजों को अब रिलीज़ भी किया जा रहा है। सर, हैट्स अप टू यू, रिस्पेक्ट फॉर यू, आप ऐसा काम कर रहे हैं जो सभी लोग नहीं कर रहे हैं। वी आर प्राउड ऑफ़ यू। कितना सर मुश्किल है और आप लोगों को क्या मैसेज देंगे जो नॉर्मल बुखार भी हो रहा है फिर भी भाग रहे हैं इधर उधर, पैनिक में हैं? एक नेशनल आपदा है जिसको हम सभी ने डील करना है नेशनल एमरजेंसी के तौर पे, क्योंकि हमारे जो जितने भी विदेशों में फंसे हुए नागरिक हैं उनको सुरक्षित लेके आना है। एंड एक वो पहले ही डरे हुए हैं एंड आगे फिर वो माहौल मिल जाए, ऐसा माहौल नहीं करना चाहिए। जैसे स्पेसिफिकली वी हैविंग जो डॉक्टर थे यहाँ पे, 10 आईटीबीपी से डॉक्टर थे एंड अनदर सीएपीएफ से भी डॉक्टर थे, सीआरपीएफ, बीएसएम, एसएसबी, तो सभी ने पूरा इनको जैसे सुबह से स्टार्ट होते थे मेडिकल एग्जामिनेशन 6 बजे से स्टार्ट होते थे एंड 12 बजे तक पूरा कम्प्लीट होता था। उसके बाद जो भी उनकी कंप्लेंट के अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन दी जाती थी एंड साइकोलॉजिकली जो भी वीक होते थे उन्हें साइकोथेरेपी। एंड उसके बाद जैसे ये आए थे जो वुहान से 51 आए थे मेन वुहान से एंड 61 फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ चाइना, वो हमने यहाँ पे उनको पूरी तरह उनकी जितनी भी मेडिकल नीड थी वो हमने वो पूरी की। एंड इवन जो उनके खाने पीने की भी दिक्कत थी, ये जैसे डॉक्टर अभिषेक हैं, डॉक्टर चक्रवर्ती हैं, अब यहाँ पे कितने डॉक्टर की टीम थी वो राउंड द क्लॉक ये करते रहते थे, अपने राउंड करते रहते थे ताकि उनकी जो स्टे कंफर्टेबल की जा सके एंड उनका जो पीरियड है क्वारंटाइन पीरियड है, इट इज़ जैसे 27 को ही आए थे, 27 को ही हमने इनकी सैम्पलिंग की ताकि हमें जल्द से जल्द रिजल्ट मिले। एंड जैसे ही रिजल्ट मिलेंगे तो हमारी आधी टेंशन और जो यात्रियों की आधी टेंशन उसी में ख़त्म हो जाती है कि तो पहले तो ये होता है जो 24 to 48 hours के लिए कि मैं पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके वजह से होता है तो थोड़ी ईज होती है। फिर उसके बाद जो हमारी मेडिकल टीम है वो लगातार इनके जो मुआयना करती रहती है कि कोई सिम्टम तो नहीं है, कुछ वो तो नहीं है, किसी भी कोई भी पॉजिटिव नहीं है, सब नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव नहीं है अभी। कितने बच गए हैं रिलीज़ करने के लिए, कितने अब रिलीज़ हो जाएंगे? आज जैसे 60 के करीब हमारे पास रिलीज़ हो जाएंगे एंड 64 अभी शाम तक। टोटल 124 थे यहाँ, टोटल 124 थे, कुछ रात को होंगे। अभिषेक जी, ये बिल्कुल अलग स्थिति थी, अलग चैलेंज था, कोई अलग पेशेंट भी मिला कि जिसको आपको लाइफ स्टेट अप करने के लिए चैलेंजिंग हो कि यार ये तो मान ही नहीं रहा है, मतलब समझ रहे हैं आप एक्सपीरियंस ऐसा कुछ? एग्जैक्टली ऐसे कई एक्सपीरियंसेस आए, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग आ रहे थे पैसेंजर उनके लिए भी ये पहली कंडीशन थी, इस तरीके से जेल जस्ट मतलब आपने उनको एक क्वारंटाइन एरिया के अंदर पैक करके रखना है 14 दिन के लिए। तो कई लोग जो थोड़ा सा डिपेंडेंट होते हैं, लाइक निकोटीन पे डिपेंडेंट है या कोई अल्कोहल पे डिपेंडेंट है, तो शुरू में उनके अंदर काफ़ी एनजाइटी थी इस तरीके के थे, इसीलिए हमारे यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी थे जो उनका रूटीन वे में उनकी काउंसलिंग कर रहे थे, उनको ईज आउट कर रहे थे, एनजाइटी उनकी रिलीव कर रहे थे अपने सेशंस द्वारा। बाकी एज सच बहुत कोई तकलीफ नहीं आई, सब पैसेंजर अच्छे थे, पिछला बैच भी बहुत ही अच्छा था, ये वाला बैच भी अच्छा था, अच्छे कोऑपरेशन के साथ हमने कोपअप किया चीज़ों को, टीम वर्क था, चीज़ें अच्छी तरह से गई, सब नेगेटिव हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर। 124 मरीज बता रहे हैं जो धीरे धीरे रिलीज किए जाएंगे, एक अच्छी बात है कि सभी नेगेटिव पाए गए हैं। और छावला कैंप में अब प्रिकॉशनरी अगर कुछ ऐड ऑन होते हैं मरीज़ तो यहाँ पर उनका टेक केयर अच्छे से किया जा रहा है। कैमरामैन पवन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।